बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ियादत के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ियादत जो जरात और कुर्बानी की रोशन मिसाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अदल, हमदर्दी और रासबाजी की इकदार को मुजस्सम किया है। इमाम हुसैन की क़ियादत हक और इंसाफ के लिए उनकी गैर मुतजल वाबस्तगियों से नुमाया थी। इन्होंने ज़बरदस्त मुश्किलात के बावजूद अपनी इकदार पर समझौता करने से इनकार कर दिया। वो जबर के खिलाफ साबित कदम रहे और उनकी बहादुरी ने बेशुमार दूसरों को ऐसा करने की तरगीब दी। उनकी क़ियादत में कमज़ोर और पसमंदा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और सहारा मिला। उन्होंने मजलूमों की हमायत की और उनकी हमदर्दी ने लीडरों की एक नस्ल को मुतासिर किया। इमाम हुसैन की क़ियादत सिर्फ इक्तदार या इख्तियार के बारे में नहीं है, ये खिदमत, कुर्बानी और बेलूसी के बारे में थी। उन्होंने हमें दिखाया है कि हकीकी क़ियादत दूसरों की ज़रूरतों को अपने ऊपर रखना है और ये के सबसे बड़ा एजाज इंसानियत की खिदमत है। जैसा कि हम इमाम हुसैन की क़ियादत पर गौर करते हैं, आए इनके अल्फाज को भी याद रखें। जिंदगी की सबसे बड़ी शान कभी गिरने में नहीं है, बल्कि जब भी हम गिरते हैं उठने में है। आए हम उनकी हिम्मत और उनकी हमदर्दी और इंसाफ के लिए उनके अटल अज़म की तकलीद करने की कोशिश करें। उनकी क़ियादत में हम खुद को बेहतर बनाने की तरगीब दें और हम इस मिसाल से ताकत और रहनुमाई हासिल करते रहें। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हुई हो तो आगे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।